सच में दिल्ली के दिल कहलाने वाले दिल्ली 6 में हूँ और मैंने सुना है कि गरीबा कला में एक फेमस जलेबी वाला है। यूँ तो आपने कई जगह की जलेबियाँ चखी होंगी, लेकिन कहते हैं कि अगर यहाँ की आपने जलेबियाँ खा ली तो कहते हैं कि आत्मा तृप्त हो जाती है। तो आइए ढूंढते हैं इस दुकान को। लाल किले से महज 10 मिनट की दूरी पर है ये दुकान। आप चाहें तो रिक्शा करके यहाँ पहुँच सकते हैं। गली का नाम है दरीबा कला, जिसके कोने पर जलेबी की दुकान मौजूद है। भीड़ देखकर आप दूर से ही दुकान का अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, हम आ गए हैं दरीबा कला की ओल्ड फेमस जलेबी वाले के यहाँ। यहाँ लोग जलेबी पर टूट रहे थे, लेकिन फिलहाल मैं दूर से ही जलेबी को ताड़ रही थी। तो आखिरकार मैंने ढूंढ ली ओल्ड फेमस जलेबी वाला की दुकान, जिसकी शुरुआत 1884 में हुई थी। वक्त बदल गया, ट्रेंड बदल गया, लेकिन बनाने का अंदाज नहीं बदला, दुकान का साइज नहीं बदला और जलेबियों का स्वाद नहीं बदला। ये दुकान 1884 में शुरू हुई थी, जिसे अब पांचवी पीढ़ी संभाल रही है। यहाँ जलेबी शुद्ध देसी घी में बनाई जाती है, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैं जब भी चांदनी चौक आता हूँ तो बिना ही जलेबी खाए वापस नहीं जाता हूँ। कैसी लग रही है जलेबी? रियली नाइस, बहुत अच्छी है। मुझे जलेबी बहुत पसंद है और मैंने कई जगह की जलेबी खाई है। इनकी जलेबी का टेस्ट आपको पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरे जगह की जलेबी में बनी होती है, लेकिन इनकी जलेबी शुद्ध घी में बनी हुई और इनका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा है और कहीं नहीं मिलता। पहले के समय में इसके साइज को देखते हुए इसे जलेबा भी कहा जाता था। 500 रुपए किलो में आपको लाजवाब और गर्मा गर्म जलेबी यहाँ खाने को मिलेगी। इसका साइज इतना बड़ा है कि सिर्फ 100 ग्राम जलेबी में ही आपका पेट फुल हो जाएगा, लेकिन नियत नहीं भरेगी। यहाँ आप गर्मा गर्म जलेबी का लुत्फ रबड़ी के साथ भी उठा सकते हैं। दो ही चीजें बनाते थे पहले, जलेबी और समोसा। रबड़ी अभी इंट्रोड्यूस किया है। हमारी जलेबी थोड़ी किंग साइज की होती है और खटास नहीं होती। हमारा जो खमीर होता है वो फ्रेश लगाते हैं। इसके अलावा अगर आप समोसे के शौकीन हैं, तो यहाँ गर्मा गर्म देसी घी में तला हुआ समोसा आपको मिलेगा। किंग साइज जलेबी है। वाकई में आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। स्वादिष्ट, बेहतरीन, लाजवाब, सुभान अल्लाह, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं और क्या बोलूँ इसके बारे में। प्योर देसी घी में बनी है, मुँह में जाती ही घुल जाती है, मजा आ गया। तो ये था आज का जलेबी स्पेशल एपिसोड। मेरे साथ इस सफर में चलते रहिए, खाओ गली देखते रहिए और जायके का स्वाद लेते रहिए।